कैसे हो कालू कव्वे? आज तो बहुत दिनों बाद नजर आए। कहीं नहीं टीनू मौसी, मैं उत्तर की ओर गया था खजाने की खोज में। और आपको पता ही है ना, मुझे खजाने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए अभी मैं उत्तर से आया हूँ। और देखो, परसों मुझे पश्चिम की ओर जाना है मेरे भाई के साथ। अच्छा, तुम तो बहुत बिजी लगते हो। हाँ टीनू मौसी, अपने भाई के साथ पश्चिम जाने का समय और बाकी चीजें प्लान करनी है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मैं कौन सा ही फ्री हूँ। अरे टिंकी चिड़िया, क्या तुम जानती हो आजकल जंगल में खजाने की बातें हो रही हैं? हमारे जंगल में खजाना है और सभी की नज़र उसी खजाने पर है। आज मैंने टीनू मौसी और कालू कौवे को बात करते हुए सुना। कालू कौवा अपने भाई टिल्लू कौवे के साथ कल रात जंगल में खजाना ढूंढने जाएगा और उसने टीनू मौसी से झूठ बोला कि वह पश्चिम दिशा में जाएगा। अरे काकी, खजाना वजाना कुछ नहीं है, जंगल में हम कितने समय से रह रहे हैं, आज तक किसी ने भी नहीं बताया खजाने के लिए। तो अरे तुम तो कुछ नहीं जानती, चलो हम गुल्लू तोते की माँ से पूछते हैं, वो कई सालों से इस जंगल में रह रही हैं। मीनू काकी और टिंकी चिड़िया गुल्लू तोते की माँ कम्मो दादी के पास पहुँच जाती हैं। कैसी हो कम्मो दादी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे कौन आया है मेरे घर आज? कम्मो दादी खाना बना रही होती है तभी गुल्लू तोता बाहर आता है। अरे दादी, टिंकी चिड़िया और मीनू काकी आई हैं आपसे मिलने। अरे टिंकी और मीनू, तुम यहाँ कैसे आज? अरे कम्मो दादी, मीनू काकी को लगता है कि जंगल में खजाना छुपा है, आप ही इन्हें बताइए कि जंगल में कोई खजाना नहीं है। नहीं नहीं टिंकी, मीनू सही कह रही है। चलो बैठो, तुम सबको आज मैं बहुत समय पहले की बात बताती हूँ। हमारे जंगल में पहले एक चिड़िया रहती थी जो एक जादूगरनी थी, जिसका नाम मोहिनी था, जो कालू कव्वे की ही परदादी थी। वह सभी से ईर्ष्या करती थी और अकेली देर रात तक मंत्रों का जाप करती। जाप करके उसने खजाना ढूंढ लिया। एक दिन उसके मंत्र के जाप और तपस्या से उसने वह खजाने की जगह ढूंढ ली। वह एक गुफा थी जिसमें बहुत बड़ा पत्थर रखा था। वह पत्थर वहां आने वाले मुसाफिरों से दो सवाल करता, अगर सही जवाब दिया तो खजाना उसे मिल जाएगा। पर आज तक किसी ने भी उसके सवालों के सही जवाब नहीं दिए। अगर किसी ने उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो वह उसी वक्त अपनी ज़िंदगी का सब कुछ भूल जाएगा और जब वह मर जाएगा तो वह एक पत्थर की मूरत बन जाएगा। मोहिनी उन सवालों के जवाब ना दे सकी और वह सब कुछ भूल गई और पागलों की तरह जंगल में घूमने लगी। और एक दिन उसने अपना दम तोड़ दिया और वह पत्थर बन गई। आज भी वह जंगल के किनारे वाले पेड़ पर पत्थर बनकर बैठी हुई है और कालू कौवा भी उसी खजाने की तलाश में है। पर दादी, कालू कौवा हमारा दोस्त है, हम नहीं चाहते कि खजाने की लालच में वह अपनी ज़िंदगी के सभी लोगों को भूल जाए और पत्थर बन जाए। अरे टिंकी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसे उस खजाने का पता कभी नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ मैं ही उसके बारे में जानती हूँ। वह पहाड़ की दूसरी ओर के जंगल में है जहाँ तीन पेड़ मिलेंगे। उसी तीन पेड़ के पीछे तीन गुफा हैं और उन्हीं में से एक पेड़ काले रंग की शाखाओं वाला है। उसी पेड़ के पीछे वाली गुफा में है वो खजाना। खिड़की पर कालू कौवा उनकी सभी बातें सुन रहा होता है। तो ये बात है, खजाना वहां छुपा है। कालू कौवा वहां से उठ जाता है और अपने भाई को सारी बातें बताता है। दोनों भाई रात को वहां से जाने की सोचते हैं। रात को दोनों अपना बैग पैक करके गुफा की ओर निकल जाते हैं। टीनू मौसी, कल आप कालू कौवे से क्या बातें कर रही थी? कुछ खास नहीं, वो तो खजाने की बातें कर रहा था पागल, और इतने समय से ढूंढ रहा है, आज तक तो कोई खजाने का टुकड़ा नहीं मिला उसको। अरे ये कालू कौवा कहाँ जा रहा है? यह तो कह रहा था पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, ये तो जंगल की ओर जा रहा है। कहीं कालू कौवे को पता तो नहीं चल गया गुफा में खजाना है? गुफा में खजाना? हाँ टीनू मौसी, टिंकी चिड़िया और मीनू काकी टीनू मौसी को दादी की सभी बातें बता देती हैं।
अगर कालू कौवा जवाब नहीं दे पाया तो उसके साथ वही होगा जो उसकी परदादी के साथ हुआ है। चलो हम उसके साथ चलते हैं। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी और मीनू काकी कालू कौवे को समझाने उसके पीछे पीछे उड़ती हैं, पर वह अपने भाई के साथ बहुत तेजी से उड़ता है और गुफा तक पहुंच जाता है। यही है काली शाखा वाला पेड़, इसी के पीछे की गुफा में खजाना है। चल छोटे। अरे छोटे देख, वो रहा वो पत्थर जो हमसे दो सवाल करेगा, एक का जवाब तू देना और एक का जवाब मैं। अरे नहीं, ये लोग तो अंदर चले गए। दादी ने बताया था कि काली शाखा वाले पेड़ के पीछे वाली गुफा है और वो लोग भी उसी में गए हैं। चलो। खजाने की खोज में आए हो, पर उससे पहले तुम्हें दो सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ हाँ पूछो पूछो, हम तुम्हारे दो सवालों का जवाब देने ही आए हैं। पहला, जितना ज्यादा फैलता है उतना कम दिखाई देता है। कालू कौवा उसका जवाब नहीं दे पाता। अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही कम दिखाई देगा। तुमने सही जवाब दिया चिड़िया। अरे टिंकी चिड़िया तुम? हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम बहुत बड़ी मुश्किल में थे इसलिए हम तुम्हें समझाने पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। तुम अपनी बातें छोड़ो और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जो गांव है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं। नक्शा। हाँ हाँ नक्शा, जिसमें सब कुछ नजर आता है, नदी घर पेड़, पर हकीकत में वह नहीं होते। पत्थर हंसते हुए गायब हो जाता है और उसके पीछे घड़े में सोने चांदी के जेवर रखे होते हैं। सभी वह लेकर जंगल आते हैं और दादी को सब बताते हैं। सभी एक दूसरे में खजाने को बांटते हैं। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।